हेलो एवरी वन वेलकम टू अ न्यू लेक्चर सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव बिन डिस्कसिंग अबाउट द आर पी एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने ऑलमोस्ट हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ऑलरेडी जो प्रीवियस टू थाउजेंड सिक्सटीन के पेपर्स में आ चुके हैं पेपर टू के पेपर वन के हमने ऑलमोस्ट टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं सलेबस एनालिसिस हमारा कम्प्लीट हो गया है सो दो ऑफ़ यू होव नॉट व्यूड दोज़ वीडियोज़ जिन्होंने पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ देख कर आएँ एंड देन यू नो कंटिन्यू विद दिस क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ बिकॉज अगर आप वो वीडियोस नहीं देखोगे तो आ, कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसमें मैं उन वीडियोस का रेफरेंस दूंगी क्योंकि वहाँ पे काफी सारी चीज़ें हमने एनलिस कर दी थी तो पहले अगर आप वो देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी इस क्वेश्चन डिस्कशन की ठीक है क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मेट्स मैंने लिस्ट बनवाई है काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो वो आपको हेल्प हो जाएगा ऑल राइट right. तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101 जीरो वन ये है हमारा पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर जिसमें तीन यूनिट्स हैं फर्स्ट यूनिट इज अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर सेकेंड वन इज़ अबाउट अमेरिकन लिटरेचर एंड न्यू लिटरेचर्स मतलब न्यू uh, लिटरेचर्स में हमारा इंक्लूड होता है बेसिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर ठीक है थोड़ा सा करीबियन लिटरेचर अफ्रीकन एक्सेट्रा वो हमारा इंक्लूड होगा थर्ड जो हमारी यूनिट है वो इंडियन लिटरेचर की है ठीक है तो तीन यूनिट्स हैं वन फिफ्टी होते हैं एम होता है एंड सोन सो वन एंड सो फोर्थ तो लेट्स बिगिन विद Our question number 101 uh, from paper 2 of English literature RPSC. Alright, so question number 101 is Margaret Atwood's novel The Blind Assassin uses a novel within a novel technique. This third tale is called. So uh, basically, मार्गरेट एटवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेरिकन फ़ीमेल राइटर हैं हमारी ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की स्पेशली फेमिनिज्म फेमिनिस्ट थ्योरी पे इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क है जो कि हम यू नो एनालाइज करते हैं इवन हमारी जो पेपर uh, वन का uh, जो सिलेबस था हमारा लिटरेरी थ्योरी का यूनिट नंबर थ्री जो हमारी पेपर वन की है उसमें भी हमने फेमिनिस्ट थ्योरी जब डिस्कस किया तो वी हैव गिवन रेफरेंसेस टू मार्गरेट एडवर्ड्स वर्क ठीक है तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन है कि मार्गरेट एटवुड की एक नावल है ब्लाइंड असेसन नाम से ठीक है ये हमारी नावल का टाइटल है जिस पर से हमें क्वेश्चन पूछा है यूज़ इज़ अ नॉवल विद इन अ नॉवल टेक्निक नावल विद इन अ नॉवल टेक्निक क्या होती है कि आप नावल के अंदर एक और स्टोरी चल रही होती है मतलब मेटाफिक्शन कहते हैं इसको कि एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी चल रही है ठीक है तो उसमें बोल रहे हैं इसमें जो इस नावल में ये टेक्निक यूज हुई है इसमें जो थर्ड नंबर की टेल है उसका नाम क्या है ठीक है तो द आंसर इज ब्लाइंड असेसन वही नाम है जो नावल का नाम है थर्ड टेल का भी ठीक है सो प्लीज़ रिमेंबर दिस

आरपीएससी का तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि हम उन्होंने हमें सुजैना मूडी का नाम दे दिया मतलब शी इज़ अ नॉवलिस्ट ठीक है हमें लिस्ट दे दी वर्क की और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क उनका है ठीक है तो हमें कैसे पता होगा या तो हमें ये हो कि ये सारे वर्क्स किसने लिखे हैं या फिर हमें ये पता हो कि इनके वर्क्स कौन कौन से हैं तो दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आंसर है रफिंग इट इन द बुश इट इज़ अ व वर्क बाय सुजैना मोडी ठीक है इसकी राइटर है सुजैना मोडी ऑल राइट नेक्स्ट इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटी इन द स्टोरीज ऑफ एलिस मुनरो इज टू एलिस मुनरो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ट्वेंटियथ और ट्वेंटी सेंचुरी की उनका एक टेक्निक है जो वो अपने वर्क में यूज़ करती थी ठीक है अब जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें किन किन पॉइंट्स पे अपना यू नो प्रिपरेशन करनी है फॉर राइटर्स एंड वर्क्स तो हमने बहुत सारी हेडिंग्स बनाई थी कि हम नेम्स uh, लिखेंगे उसका फिर जॉनर हो गया हमारा पब्लिकेशन समरी सेंट्रल आइडिया थीम्स हो गई हमारी ठीक है एटमोसफियर क्या है लिटरेरी डिवाइस कौन से यूज़ हुए इसकी हमने टेबल बनानी है ठीक है तो जब हम कैरेक्टरस्टिक्स uh, की बात करते हैं तो उसमें अब एक आप नई हेडिंग ऐड करो कि आपको पोएटिक या ड्रामेटिक या नॉवलिस्टिक टेक्निक मतलब पोएट होगा तो उसकी पोएटिक टेक्निक होगा तो उसकी ड्रामेटिक टेक्निक होगी और नॉवलिस्ट है तो उसकी नॉवल राइटिंग टेक्निक होगी एक टेक्निक से क्या मतलब होता है कि एक कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो किसी राइटर में पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलती है मतलब उनके ज़्यादातर वर्क्स में ज़रूर नहीं हर वर्क में ज़्यादातर वर्क में कोई एक चीज़ है जो रिपीट हो रही होती है जैसे कई बार थीम्स होती हैं कि राइटर एक आध थीम्स कोई ऐसी होती है जो उनके हर वर्क में रिपीट होती है मतलब ओवरऑल हो सकता है उनके वर्क का थीम कुछ और है लेकिन एक थीम ऐसी होती है जो काफ़ी बार वो रिपीट करते हैं या कोई टेक्निक होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल कई राइटर्स हैं वो मोनोलॉग uh, की टेक्निक यूज़ करते हैं कई राइटर्स हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक अपने हर वर्क में यूज़ करते हैं जैसे वर्जिनिया वुल्फ है उनके ज़्यादातर वर्कस में अब उनके वर्कस जो है उनका म अलग है सेंट्रल आइडिया हर वर्क का अलग है लेकिन उनके ज़्यादातर वर्क्स में हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं यूज़ करती हैं तो ठीक है तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उनका एक मेजर टेक्निक की तरह हम उसको एनालाइज करेंगे तो जब कोई राइटर एक ही टेक्निक को रिपीट करता है बार बार या कई बार यूज़ करता है तो हम उसको उसकी टेक्निक में लिख देते हैं ठीक है मतलब उसका एक कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है द सेम वे इज ह्यूमंस अगर हम कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो उसको हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट मान लिया जाता है राइट ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा है तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एलिस मुनरो की एक कौन सी टेक्निक है मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटेजी बोल लो टेक्निक बोल लो उसको आप एक ही बात है एक उनकी स्ट्रैटी है जो वो हर वर्क में रिपीट करती हैं तो अगर आपने उस हेडिंग के साथ बनाई होगी लिस्ट तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा उनकी जो टेक्निक है वो है मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टाइम मतलब टाइम कॉन्स्ट्रेंट जो है जब हमने मॉडर्निज्म uh, पढ़ा था पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा था तो एक जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक uh, थी इस एरा के राइटर्स की वो थी टाइम uh, जो रिस्ट्रिक्शंस है ना कि अगर आप अभी के बारे में बात करो तो आप अभी के बारे में ही बात करो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन राइटर्स ने फोकस करना छोड़ दिया था वो फ्रीली टाइम में मूव कर देते हो सकता है अभी प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में वो पास्ट के बारे में बात करने लग जाए ठीक है तो दिस वॉज बैकवर्ड इन टाइम ठीक है तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वन जीरो फोर्थ विच नॉवल ऑफ सैली मॉर्गन इज़ कंसिडर टू बी अ ब्रेक थ्रू मेमोर अबाउट इंडिजिनियस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया तो ये क्वेश्चन एज यू कैन अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से आया है तो सैली मॉर्गन की कौन सी नावल इंडिजिनियस लाइफ जो है ऑस्ट्रेलिया की उसके बारे में हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स देती है उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देती है तो कौन सी नॉवल है आंसर इज माई प्लेस फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर माई प्लेस ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो है करीबियन लिटरेचर है उसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ना है ठीक है वो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में कवर जो कर लिया तो यू जस्ट नीड टू नो द द बेसिक्स, इंट्रोडक्शन एंड द इम्पोर्टेंट राइटर्स ठीक है एंड दैट विल डू फॉर द एग्जाम वन जीरो फ्रेडी नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर तो ली मुरी की एक वर्स नॉवेल वर्स नॉवल क्या होता है मतलब जिसका जो नरेशन होता है वो पोएटिक होता है ज़्यादा ठीक है प्रोजेक नहीं होता प्रोजेक और पोएटिक पोएटिक लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम रिदम लिरिक्स uh, और टोन वगैरह यूज़ करते हैं और प्रोजेक होती है कि जहाँ पे हम सिंपली सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ठीक है सो दैट इज़ ली मरेज़ वर्स नॉवल इज़ इन तो उनकी वर्स नावल थी एक ली मरे की उसका नाम था फ्रेडी नेपच्यून ओके विच एन ऑफ़ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट by वी एस नाइपॉल वी एस नाइपोल अगैन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है एक्सपेट्रियट डायस्पोरिक राइटर में भी कभी कभी हम इंक्लूड करते हैं हालांकि वो डायस्पोरा में भी नहीं आएंगे क्योंकि वी एस नाइपोल ठीक है उनका ओरिजिन इंडियन था मतलब उनके एनसेस्टर्स इंडियन थे लेकिन ही हैज़ नेवर लिव्ड इन इंडिया ठीक है ही ऑलवेज बिन लिविंग आउटसाइड इंडिया वेस्ट इंडीज़ थ्रीनिदाद इज एन एरिया वेरी रोसाइड्स uh, तो नहीं पढ़ते हम उनको इंडियन राइटर्स के अंदर लेकिन कभी कभी कुछ स्कॉलर्स उनको डायस्पोरिक राइटर में पढ़ते हैं ठीक है थीके? तो तो वी एस नाइपॉल जो है उनका वर्क है उनके वर्क आपको बस ये चूज करना है कि कौन सा वर्क उनका नहीं है तो अगर आपको उनके वर्क्स के बारे में पता होगा तो इजीली आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो ठीक है तो अगेन वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आपको राइटर के वर्क्स याद करने कि उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं अगेन अगैन एम्बरसाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर किस एज को बिलोंग करता है किस कंट्री को बिलोंग करता है कौन से ईयर्स के दौरान उन्होंने लिखा और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के नाम ये तो मतलब ऐसा है बिल्कुल बेसिक है अगर आपको फर्स्ट स्टेप अपनी स्टार, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना तो पहले यहीं से स्टार्ट करो ठीक है उसके बाद आती हैं बाकी सारी चीज़ें वर्क्स के नाम तो इज नंबर वन थिंग जो आपको करना ही करना है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो आंसर इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स बाकी ये सारे इनके वर्क हैं जिसमें से सबसे फेमस उनका जो वर्क है वो है हाउस ऑफ फॉर मिस्टर बिस्वास ठीक है ही वन वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑल्सो फॉर दिस थिंग देन डैरक वॉलकोट्स एपिक पोएम ओमेरोज लूजली एकोज एंड रेफर्स टू कैरेक्टर्स फ्रॉम डैरक वॉलकोट की एक पोइट्री है ओमेज और उनकी काफ़ी फेमस पोइट्री है जिसको एक इम्पॉर्टेंट पोइट्री मानते हैं हम उनकी ये एक क्लासिकल वर्क का रेफरेंस देती है या क्लासिकल वर्क की ना इसमें हमें कह सकते हैं एसेंस मिलता है थोड़ा बहुत किस क्लासिकल वर्क का मिलता है आंसर इज होमर्स द एलियड होमर का जो दो एलियड है उसका रेफरेंस हमें बहुत सारे वर्क्स में मिलेगा बहुत सारे वर्क्स में मिलेगा ठीक है हमें एलियट के वर्क्स में मिलेगा हमें येट्स uh, के वर्क में मिलेगा हमें बहुत सारे मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न रोमांटिक विक्टोरियन एलिजिथिन मतलब ऐसी कोई एज नहीं है जहाँ पे होमर के वर्क का रेफरेंस नहीं दिया किसी भी राइटर ने ऐसा कभी नहीं हुआ ठीक है बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज़ बिन वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स ऑफ मतलब बहुत सारी एजेस के अलग अलग सेंचुरीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ के राइटर्स का के फेमस मॉडल फेमस इंस्परेशन रहे होमर

तो ये एक ड्रामा है ठीक है अब यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं ना प्लीज़ रिमेंबर ये हमारे अभी रीसेंट कंटेम्प्रेरी या फिर ट्वेंटी सेंचुरी के जो हमारी एंडिंग वाले डेकेट्स थे नाइनटीन फिफ्टीज में उस तरह के क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर अभी आ रहे हैं ठीक है थीके? तो द डिपार्टमेंट जो एक प्ले है डेविड विलियमसन का उसमें वो डिपार्टमेंट किस चीज़ का डिपार्टमेंट है मतलब किस चीज़ के डिपार्टमेंट के बारे में वहाँ पर ड्रामा है तो ऑप्शन आपके हैं और उसमें से आंसर है वन अकेडमिक डिपार्टमेंट ठीक है इसमें भी आपको ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाओगे अगर आप सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ लोगे ठीक तो है नंबर वन वन जीरो विच ऑफ दीज वर्क्स इज नॉट बाय आर्नल्ड वेस्कर तो आर्नल्ड वेस्कर के काफ़ी सारे वर्क्स हैं पोस्ट मॉडर्न एरा के बहुत इंपॉर्टेंट जमेटिस्ट हैं ठीक है और तो इनके कौन कौन से इसमें से कौन से वर्क सुन के तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन चिकन सूप फॉर द सोल इसका आंसर है ये वर्क उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि चिकन सूप फॉर द सोल एक कंपाइलेशन है एंथोलॉजी काइंड ऑफ होता है ठीक है ये लेकिन उनके वर्क्स हैं तो प्लीज़ आप यहीं पर लर्न कर लो अभी इसी लेक्चर में लर्न कर लो कि आनल वेस्कर के वर्क्स कौन कौन से हैं चिकन सूप विद बार्ले चिप्स विद एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट जेरोसलम ठीक है barley, तो इनके नामों में आपको थोड़ा सा दिखेगा किचन सिंह ड्रामा का भी रिफ्लेक्शन आता है इसमें ठीक है तो आनल वेस्कर वेरी इंपॉर्टेंट और वो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने यू you नो know, जो ये लेक्चर्स पहली बार अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ आप इंटिमिडेट मत हो डोमिनेट मतलब ऐसा फील मत करो कि यू you नो know, uh, मुझे तो कुछ नहीं आता एंड दीज क्वेश्चन आर सो टफ़ और मतलब कैसे होगा इट्स वेरी ईजी अगर आपको ऐसा लग रहा है इट्स बिकॉज क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास क्वेरीज ऐसी आती हैं कि यू you नो know, क्वेश्चन uh, समझ नहीं आते एंड ऑल दीज थिंग्स वो इसीलिए होता है क्योंकि अभी आपने बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया ठीक है अभी डायरेक्टली आपने आर की नोटिफिकेशन देखी सिलेबस एनालिसिस देखा और अब हम प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो कि यू you नो know, बहुत टफ है मुझे तो आता नहीं है ऐसा नहीं है ठीक है एग्जाम टफ नहीं है अगर अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन और आपको लग रहा है पेपर टफ़ है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपने बेसिक्स पढ़े नहीं है ढंग से ठीक है इसीलिए इट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा इतना सारा सिलेबस है क्योंकि देखो वन फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं टोटल दोनों पेपर्स में तो माना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है सिलेबस भी हमारा काफ़ी वाइड है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पूरा इंटायर जितना भी लिटरेचर में हम चीज़ें पढ़ते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर सब कुछ करना है हमें ठीक है पूरा ग्रेजुएशन लेवल वाला जो है वो पेपर वन में आ जाता है थोड़ा बहुत पेपर टू में भी आता है ठीक है और पूरा पेपर जो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो हमारा पेपर वन में आ जाता है ठीक है तो स्टूडेंट्स काफ़ी थोड़ा वाइड है और क्वेश्चन भी थोड़े से ऐसे आते हैं कि कभी वर्क से क्वेश्चन आ रहा है कभी प्ले से प्लॉट से क्वेश्चन आ रहा है कभी पब्लिकेशन uh, डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो एक फिक्स वो नहीं है और देखो कॉम्पिटिव एग्जाम में मिलता भी नहीं है ठीक है फिक्स कभी वो कॉम्पिटिव एग्ज़ाम है क्योंकि आप एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो राइट right? आप एक प्रोफेशन के लिए फाइट कर रहे हो तो इसीलिए इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऐसे रखते हैं लेकिन द की इज कि अगर आप बेसिक से पढ़ोगे अपने फाउंडेशन स्ट्रॉग रखोगे तो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू आई एम श्योर जो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नो पहले से बेसिक्स से पढ़ रखा है या जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड करें जो हमने अपलोड किए अपने ऐप पे वो अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उनको कंपेटिवलीजी लग रहा होगा अटेम्प्ट करना क्योंकि वहाँ पर हमने बेसिक से सब कुछ पढ़ाया है ठीक है तो जब आपका बेसिक स्ट्रांग होता है ना तो आप ईजिली अटैम्प्ट हो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको नहीं पता ठीक है आपको नहीं पता लेकिन आपको बेसिक्स पता है ना तो आप अपना लॉजिकल एक लिंक बिठा सकते हो आंसर्स को गेस करने में आप यू नो एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है भले ही आपको डायरेक्टली नहीं पता आंसर लेकिन बिकॉज आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आपका लॉजिकल कनेक्शन जो है वो वर्क करता है फिर आप ईजिली आंसर अटैम्प्ट कर सकते हो ठीक है तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार ये लेक्चर्स देख रहे हैं प्लीज़ डोंट गेट इंटिमिडेटेड कि यू नो एग्जाम टफ़ है एवरीथिंग ऐसा नहीं है इनफैक्ट आप देखोगे तो आर का लेवल इतना मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है एल से कि एक मॉडरेट लेवल है उनका बहुत ईजी भी नहीं है बट बहुत टफ भी नहीं है एवरेज लेवल है कि अगर कोई स्टूडेंट दो तीन महीने लग के लाइक like, मेहनत करता है तो यू कैन क्लियर इट ठीक है uh, बाकी जो हम अदर uh, स्टेट्स के देखते हैं या फिर हम नेशनल लेवल जो हमारे एग्जाम से नेट हो गया ठीक है अलग हो गया उसके कम्पेरिजन अगर देखें तो आर का लेवल आ, मतलब इतना टफ नहीं है ठीक है इट्स मॉडरेट लेवल बहुत ईजी भी नहीं है कि आप यू you नो know, हवा में ले लो और ऐसे ही प्रिपेयर करो नहीं लेकिन बहुत टफ भी नहीं है कि हो नहीं सकता अगर हम करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिकली करते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तरीके से करते हैं तो हो सकता है ठीक है तो प्लीज़ डोंट गेट इंटीमिडेटेड डोंट गेट लाइक स्केयर नहीं होना है हमें क्वेश्चन हैं सिलेबस वाइड है लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली कवर करेंगे तो हो जाएगा ठीक है इसके लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि सिलेबस एनालिसिस की जो वीडियो है एक बार उसको ढंग से देखो अपने नोट्स बनाओ फ्लो चार्ट बनाओ जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया है ठीक है द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ ऑन ऐप उनको सारा मिल गया होगा ठीक है तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर उसके आप टेबल बनाओ नोट्स बनाओ एंड देन ट्राई रिवाइजिंग इट ट्राई टू लर्न द नेम्स ऑफ द वर्क ईयर्स एक्सेट्रा और माइंड मैप्स जो ठीक है वो तो ऑल दीज थिंग्स अभी टाइम है अभी वी कैन डू डोंट वेट लाइक कि एंड में करेंगे तब तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाएगा सो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ द वीडियोज आर बींग अपलोडेड प्लीज़ गो थ्रू दैम एंड यू नो listen to them and make your notes and start your preparation all right so let's move on to the next question uh, so 110 is done next is 111 a novel written by mulkraj anand is entitled very easy question i think one of the easiest question jo is paper mein aaya hai ki mulkraj anand ki ek novel hai uska naam batana hai aapko theek hai सबसे इनकी famous novel यही है अनटचेबल मतलब अगर किसी ऐसी नॉवल का एग्जांपल दिया होता जो थोड़ा उनका कम फेमस हुआ क्या तो फिर भी समझ आता अनटचेबल मुल्कराज आनंद अगर पढ़ते हैं तो नेक्स्ट चीज़ हम अनटचेबल ही पढ़ते हैं ठीक है ठीके? तो आंसर इज़ अनटचेबल नंबर वन वन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज एडवाइज्ड इन इंग्लैंड बाय सर एडमंड गूस टू सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया एंड नॉट फ्रॉम इंग्लैंड तो एक इंडियन राइटर सरोजनी नायडू ठीक है इंडियन पोइटर्स थी वो फ्रीडम स्ट्रगल में भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है तो इनको सर एडमिन गूज़ ने एक एडवाइस uh, दिया था कि इफ़ यू वांट इंस्पिरेशन यू शुड सर्च इट फॉर फॉर इट इन इंडिया ओरिएंटल थिंकिंग होती है ये ठीक है तो सरोजनी नायडू इज द आंसर शी वाज़ एडवाइज बाय सर एडमिन गूज ऑल नेक्स्ट इज़ वन द गॉडेस हु प्रोटेक्टेड द पीपल ऑफ द विजेज इन द ना कांतापुरा इज आंसर इज इस कैंचम्मा बहुत इजी क्वेश्चन है कांतापुरा जो नॉवल है राजा रॉय की ठीक है उसमें हमने जब डिस्कस किया है तो उसमें हमने पूरा प्लॉट स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कैरेक्टर्स के नाम डिस्कस किए हैं ठीक है थीके? अलग अलग जो चीज़ें तो कैंचम्मा जो थी वहाँ की एक तरह से हम डाइट ही थी उस विलेज की क्योंकि ऐसा इंडिया में काफ़ी ये बिलीफ सिस्टम है कि हर एरिया की या हर यू नो ग्रुप ऑफ़ पीपल की हर फैमिली की एक काइंड ऑफ़ गॉडेस या गॉड होते हैं मतलब यू you नो know, जिनको वो मानते हैं कि वो हमारी फैमिली के मुझे एग्जैक्टली exactly नाम नहीं पता बट ऐसा होता है ठीक है तो इसी तरह कांथापुरा जो है कांथापुरा गांव का ही नाम है कांथापुरा नावल का टाइटल भी है और वो टाइटल आता है उस लोकेशन से कि वो जो राजा राव ने सेट किया उसको कांथापुरा नाम के एक साउथ इंडिया में एक विलेज में सेट किया है अपनी नावल को तो वहाँ के जो लोग हैं वो किस डाइटी किस गॉडेस को अपना पेटर्न मानते हैं पेटर्न होती है मतलब एक तरह से आपकी गाइड आपकी गाइड आपकी प्रोटेक्टर गा आपकी हेल्पर और एवरीथिंग ठीक है तो किस डाइटी को मानते हैं आंसर इज़ कैंचम्मा तो कैंचम्मा नाम की एक गॉडेस थी वहाँ की जिनको लोग मानते थे कि वो हमेशा प्रोटेक्ट करती है हमारे गांव को कांतापुरा को वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है हमें हार्वेस्ट देती है हमें प्रोस्पेरिटी देती है एंड ऑल दीज थिंग्स ठीक है रत्ना रंगम्मा ये सब उस नावल के कैरेक्टर्स हैं ठीक है थीके? नरसम्मा उसमें एस सच इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था रत्ना और रंगम्मा भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उस नावल की तो प्लीज़ रिमेंबर वन हंड्रेड फोर्टीन द पोएम आर कसुर ट्रीज और थर्ड बाई अगेन ये क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर सेम श्योर जितने भी इंडियन लिटरेचर वाले लेक्चर्स देखें ईजिल इसको अटैम्प्ट कर सकते क्योंकि ये सब मैंने उसमें डिस्कस किया है तो तो दत्त इज़ द आंसर कसुराना ट्री तो दत्त के बारे में जब हम पढ़ते हैं एटीन नाइनटीन सेंचुरी के एंड में उन्होंने लिखा था तो कस्ूराना ट्रीज ए पोइटरी जो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं उनके बारे में ठीक है तो अगेन अ वेरी ईजी क्वेश्चन वन हंड्रेड फिफ्टीन मंतानगिनी बंकिम चंद्र चैटर्जी नावल राजोहस वाइफ कैन भी टेकन रिप्रजेंटेटिव ऑफ वमेन हु ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवल है बंकिम चंद्र चैटर्जी सॉरी जो नॉवल है राजमोहंस वाइफ इसको हम कहते हैं वन ऑफ द फर्स्ट नावल्स रिटन बाय एन इंडियन इन इंग्लिश मतलब इंडियन किसी इंडियन ने इंग्लिश लैंग्वेज में जो नॉवेल्स लिखी थी ना उनमें से बहुत एक इनिशियल या फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये नावल लिखी थी राजमोहन साहिब को कई बार हम फर्स्ट इंग्लिश इंडियन नावल भी कहते हैं ठीक है इसके अंदर जो है एक कैरेक्टर है मतांगिनी का ठीक है वो किस तरह की वुमेन को रिप्रेजेंट करती है तो यह क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपको ब्रीफ प्लॉट स्ट्रक्चर पता होगा नोवेल का तो इसका आंसर है वुमेन हु रिमेन स्ट्रांग इन द फेस ऑफ ब्रूटैलिटी मतलब प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी जो वुमेन स्ट्रांगली उनको डील करती हैं और आ, उनसे डील करती हैं उनको हम आ, उन उस तरह की वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं मतांगिनी ठीक है इसी तरह की वुमेन वो थी A, 116 हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय प्ले द विंडो डील्स विद तो किस चीज़ से डील करता है तो सेंट्रल आइडिया बताना है आपको तो वो जो टेबल आपकी है उसके अंदर आप इजीली कवर कर सकते हो उसको तो इट डील्स विद द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर्स इन बॉम्बे प्री कोलोनियल टाइम्स के जो वर्कस थे उनके बारे में भी हमारे क्वेश्चन हैं टेक्सटाइल वर्कर्स इन बॉम्बे अंडर ब्रिटिश रूल ठीक है जो भी टेक्सटाइल डेवलपमेंट हो रहे थे इंडस्ट्रीज बन रही थी उसके अंदर जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनका किस तरह से एक्सप्लाइटेशन होता था ये उनके वर्क की सेंट्रल थीम है वर्क का नाम है द विंडो वन सेवनटीन श्री औरबिंदोज प्ले परसियस द डिलीवर इज बेस्ड ऑन अ तो श्री औरबिंदो का प्ले है परसियस वो किसके ऊपर बेस्ड है इज़ आंसर इज़ ग्रीक लेजेंड मतलब ग्रीक माइथोलॉजी जो हमारी होती है उसके काफ़ी सारे यू नो रेफरेंसेज हमें इंग्लिश वर्क में तो मिलते हैं लेकिन इंडियन वर्क में देखा जाए तो श्री औरबिंदो के वर्क में हमें उसका रेफरेंस मिल सकता है वन टू इंडिया माई नेटिव लैंड इज़ अ पोएम बाय सो आपको डायरेक्ट ईजी क्वेश्चन है वर्क का नाम दिया आपको राइटर बताना है पोए पोएट बताना है पोएट्री का नाम आपको दिया है तो आंसर इज हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इनको भी वन ऑफ द इनिशियल इंग्लिश पोएट्स कंसिडर करते हैं हम इंडियन इंग्लिश पोएट जिन्होंने इंग्लिश में अपनी पोएट्री लिखना शुरू की अंडर ब्रिटिश रूल हेनरी विवियन डेरोजियो इसके साथ इनका नाम हमेशा जुड़ता है ज़्यादातर माइकल मधुसूदन दत्त और डेरोजियो को हम इनिशियल इंग्लिश पोएट्स मानते हैं वन हंड्रेड नाइन्टी इन द फर्स्ट इंडियन नावल रिटन इन इंग्लिश वॉज द आंसर इज़ ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद नाओ देर इज़ अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद जो है वो बेसिकली एक्जैक्टली नावल नहीं है वो एक तरह से ट्रैवलॉग है ट्रैवलॉग मतलब कोई इंसान कहीं ट्रैवल करता है तो अपने जर्नल्स अपने जो रिकॉर्ड्स हैं अपनी यू नो एवरीडे जिस तरह से उसने ट्रैवल किया जो भी एक्सपीरियंस उनको रिकॉर्ड करता है तो सेक दीन मोहम्मद वाज़ अ पर्सन फ्रॉम बिहार इंडिया और वो एटीन सेंचुरी में इंग्लैंड उन्होंने ट्रैवल किया था ठीक है और वहाँ पर uh, तो वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश सीखी एंड उन्होंने लिखना शुरू किया तो कई बार ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद को हम फर्स्ट इंडियन इंग्लिश ट्रैवलॉग भी मानते हैं और राजमोहंस वाइफ जो है उसको फर्स्ट इंडियन नावल मानते हैं लेकिन देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इस परपज़ से है कि यहाँ पर उन्होंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं ना उसमें से सबसे पहला वर्क यही है ठीक है अगर यहाँ पर ऑप्शन राजमोहंस वाइफ भी होता तो आप राजमोहंस वाइफ टिक करते लेकिन अभी ऑप्शन वो नहीं है तो आप ट्रैवल्स ऑफ दीन मोहम्मद ही ट्रिक करोगे दूसरी चीज़ एक ट्रिक यहाँ पर यह भी है कि जैसे उन्होंने यहाँ पर नावल लिखा है अगर वो कभी लिखें फर्स्ट इंडियन वर्क इन इंग्लिश वर्क सिर्फ वर्क आपको दें नॉवल है क्या है ये जॉनर नहीं दें आपको और फिर ऑप्शन में दोनों चीज़ें हो ट्रेवल्स ऑफ तो दीन मोहम्मद भी राजमोहन वाइफ भी तो प्लीज टेक ऑन दिस दीन मोहम्मद क्योंकि ये फर्स्ट वर्क है जो इंग्लिश में लिखा था किसी इंडियन ने लेकिन ये नॉवल नहीं थी एक ट्रैवलॉग था तो अगर नॉवल पे क्वेश्चन आएगा और दोनों चीज़ों का ऑप्शन है तो राजमोहन स्वाइफ लेकिन अगर सिर्फ वर्क पे क्वेश्चन आए कि आपको वर्क लिखा है ठीक है तो प्लीज़ जब क्वेश्चन पढ़ो तो एटलीस्ट दो बार उस क्वेश्चन को पढ़ो क्योंकि कई बार एक आध वर्ड चेंज करके ना पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है क्वेश्चन का और ऑप्शन में भी कई बार इस तरह से थोड़े से ट्रिक ऑप्शन देते हैं ठीक है तो अभी जैसे हमने देखा कि मिक्सचर कर रखा है आर ने ईजी क्वेश्चन कम इजी क्वेश्चंस डिफिकल्ट मॉडरेट हर तरह के क्वेश्चंस है ठीक है तो एवरी हर स्टूडेंट जिसका भी लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन जैसा भी है कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन ठीक है आप जितनी भी कर सकते हो जस्ट वर्क हार्ड एंड यू कैन गो फॉर इट तो प्लीज़ इस क्वेश्चन में स्पेशली क्वेश्चन टफ नहीं है क्वेश्चन इज ईजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिक करा है उन्होंने ऑप्शन देने में और जो ऊपर उन्होंने वर्ड यूज़ किया की टर्म यूज़ किया ठीक है वन पर्दा इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी इज़ अ लाइन टेकन फ्रॉम तो ये एक लाइन है आपको लाइन दे दी आ, किसी पोएट्री में और से और आपसे पूछा है कि कौन सी यू नो पोएट्री की लाइन है ये तो आपका आंसर है इम्तियाज धारकर्स पर्दा ठीक है ऑप्शन नंबर टू इज़ द आंसर दैट इज़ इम्तियाज धारकर्स पर्दा में से ये लाइन ली गई थी ऑल राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। ट्वेंटी वन टोट द फॉलोइंग नॉवल्स बाई आर के नारायण इन द करेक्ट डोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो आर के नारायण जो है ना उनका एक तो जो उनकी नॉवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे द गाइड हो गई अपनी वेंडर ऑफ स्वीट्स है अपनी और स्वामी एंड फ्रेंड्स उनकी शॉर्ट स्टोरी है काफ़ी सारी उनके इंग्लिश टीचर हो गया ठीक है फाइनेंशियल uh, एक्सपर्ट uh, इस तरह की कुछ नॉवेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है तो इनकी तो आप टेबल बनाएंगे ठीक है हमने जैसे अपने लेक्चर में भी डिस्कस uh, किया है तो आई सजेस्ट स्टूडेंट साइड बाई साइड कि आप वो टेबल्स बना लो लेकिन इनका जो एक और इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट uh, है ना जो कवर करना है वो है इनके पूरे वर्क का लिस्ट क्योंकि बहुत सारे वर्क्स है हैं आर के नारायण के मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है जैसे प्री कलोनियल टाइम से स्टार्ट हो गए थे जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम से उनके वर्क स्टार्ट हो जाएंगे और जो हमारी ट्वेंटियथ सेंचुरी है ना इवन नाइनटीन नाइन्टीज़ एटीज़ तक भी उनके वर्क चलते हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क्स है उसकी बहुत लंबी लिस्ट है अलग अलग तरीके के उन्होंने वर्क्स किए हैं जर्नलिस्टिक राइटिंग भी किए नावल्स भी लिखे हैं पोट्री भी लिखी हैं ट्रांसलेशन भी किए हैं माइथोलॉजी से रिलेटेड वर्कस भी उन्होंने किए तो बहुत सारे उनके वर्क हैं तो उसका पूरा एक है ना एक आपको पी डी प्रोवाइड होगा ठीक है उसके अंदर आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि आर के नारायण के जो वर्क्स हैं किस किस तरह से डिवाइडेड है तो उनको आपको आप सारे वर्क तो याद नहीं कर सकते ऑब्वियसली बस ट्राई करो कि आपको बस ये याद रहे कि कौन सा वर्क पहले है कौन सा वर्क बाद में ठीक है एक जो टेबल है उसका थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि आपको चार आर के नारायण के वर्क दे दिए ठीक है इसको भी थोड़ा मैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में डालूंगी चार आपको वर्कस दे दिए और आपको इनकी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्हें सेट करना है क्रोनोलॉजी क्या होती है मतलब पहले कौन सा आया फिर कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा मतलब सीक्वेंस में उनको सेट करना है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन ए बी सी डी मतलब

ओके नेक्स्ट इज वन ट्वेंटी टू पिक आउट द ऑप्शन दट करेक्टली मैच इज द राइटर विद बुक तो अगेन मैच द फॉलोइंग मूवी राइटर और बुक्स वर्क्स के नाम है सिंपल क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री मतलब डी सी बी ए दैट इज डी सी बी ए क्यू पी एस आर डी को हम मैच करेंगे क्यू से दैट इज हम सी को मैच करेंगे पी से सी पी हम बी को किससे मैच करेंगे एस से बी एस हम ए को किससे मैच करेंगे आर से वेयर इज एंड आर तो कमला दास का वर्क है माय स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी ठीक है काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी जब ये पब्लिश हुई थी क्योंकि काफ़ी सारे इसमें जो उन्होंने अकाउंट्स बताए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और उनको काफ़ी बैकलैश भी मिला था कमला दास को बट ये उनकी बहुत एक कमेंडेबल uh, वर्क है एक ऑटोबायोग्रफी ऑफ ठीक है, है? Uh, शोभा डे का वर्क है सिलेक्टिव मेमोरी निराट सिंह चौधरी का द अगैन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अन इंडियन वेरी इंपॉर्टेंट वर्कस ठीक है उसके बाद हमारा नयन तारा सैगल का प्रिजन एंड चॉकलेट केक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर ठीक है तो ये सिंपल पैटर्न है राइटर एंड उनके वर्क्स को हमें मैच करना है डिफिकल्ट डॉटर्स बाय मंजू कपूर मंजू कपूर एक इम्पॉर्टेंट राइटर uh, है इंडियन लिटरेचर की और डिफ़िकल्ट डॉटर्स भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है तो जब इस बुक को प्रिपेयर कर रहे हो गए, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट थ्री जनरेशन ऑफ़ वुमेन अब इनमें जो डिफ़िकल्ट डॉटर्स है इसमें इन्होंने कैरेक्टर्स के नाम पूछे हैं इन्होंने आपको बता दिया कि तीन वुमेन जनरेशन के बारे में इसमें बात हो रही है वो कौन सी वुमेन है उन वुमेन के नाम आपको बताने हैं तो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर कस्तूरी वीरमती इदा कैरेक्टर्स के नाम ठीक है तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम आपको बताने तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर फोर विच प्राइज डिड अरुंधति रॉय विन फॉर अर नोवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरुंधति रॉय और उनका जो वर्क है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पर से कई बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आंसर इसका है बुकर प्राइज क्योंकि इसको बुकर प्राइज मिला था इसलिए ही ये एक इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है प्लस जिनका नरेटिव स्टाइल है काफी सारे उन्होंने टेक्नीस जो यूज़ किया अरुन्धति रॉय ने काफ़ी फेमिलियर और काफ़ी यू नो न्यू काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं तो इनके वर्क ठीक है इसका सेंट्रल थीम क्या था कैरेक्टर्स के नाम क्या थे ब्रीफ प्लॉट स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि एक, एक ट्विन ब्रदर सिस्टर थे उनकी स्टोरी है आ, उसमें पॉलिटिकल जो है कह सकते हैं पॉलिटिकल कॉमेंट्रीज भी हैं बीच बीच में पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी दिखा रहे हैं सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या था साउथ इंडियन एक विलेज के बारे में स्टोरी है तो वहाँ पे यू नो you know, किस तरह से सोशल हायर बनी हुई है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट ठीक है आ, तो इस तरह से परिया लोग होते हैं ठीक है तो साउथ इंडिया में क्या क्या बोलते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट को ये सारी चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकते हैं तो अरंदोदय तो रॉय का वर्क इसको बुकर प्राइज मिला था नाइनटीन में ईयर पर भी क्वेश्चन आ सकते है, तो प्लीज इसको याद रखना है आपको ओके okay. नेक्स्ट इज़ मनोहर मालगोंकर नॉवल अ बेंड इन द गैंग्स इज़ अबाउट तो इनका नॉवल है तो सिंपल क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया पूछा है आपसे कि मनोहर मालगोंकर का वर्क है बेंड इन द गैंग्स ये किस बारे में था तो सेंट्रल आइडिया पे क्वेश्चन है देखो उसी टेबल में से ही हमें कवर करना है सब चीज़ें हो रही हैं हमारी कवर तो ये था वायलेंट आफ्टर मैट ऑफ द पार्टीशन पार्टीशन के बाद जो वायलेंस हुआ था इंडिया में नाइनटीन इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद उसका जो वायलेंट आफ्टर था वायलेंस और यू नो ब्लड शेड और डेथ्स और वो सब जो हुई थी उसके बारे में उनकी a novel dedicated him. Next question, Kushwant Singh's novel Train to Pakistan, Jugat Singh redeems himself by तो खुशवंत सिंह की नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान अगेन जो आप लिस्ट बना रहे हो इंपॉर्टेंट राइटर्स और वर्क की उसमें ऐड कर लो ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कई बार इस पर से क्वेश्चन आते हैं इंडियन लिटरेचर का इंपॉर्टेंट मानते हैं इंडियन लिटरेचर के अंदर तो हमारा पार्टिशन लिटरेचर एक अलग से यू नो जॉनर के रूप में उभर उभरा है कि ट्वेंटी सेंचुरी में अभी भी, भी उभर रहा है उसमें ट्रेन टू पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट वर्क मानते हैं हम खुशवंत सिंह तो इसमें जो कैरेक्टर थे मेन कैरेक्टर्स थे उसमें यू नो दिस जुगल सिंह वॉज इन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो एंड में हाउ डज़ यू रिडीम हमसेल्फ मतलब इनिशियल जब हम प्लॉट दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि काफ़ी सारी उसने ऐसी चीज़ें की होती हैं जो हमें लगेगा कि यार मतलब वो एक गून होता है ठीक है एक रॉबर होता है एक तो हमें लगे इनिशियली लगता है कि यार कैसा कैरेक्टर है लेकिन एंड में वो हीरो होता ही है प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनेस तो एंड में वो कुछ ऐसा करता है कि यू नो ही एक्चुअली जस्टिफाई कि हाँ ही इज़ द हीरो तो वो क्या करता है ऐसा तो इसका आंसर है सेविंग मैनी लाइव्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी तो वो आ, एक क्या कह सकते हैं एक मर्डर का प्लॉट होता है कि ट्रेन जा रही होती है उस ट्रेन को अटैक uh, करने का प्लॉट होता है एक टीम का तो उसको वो बचा लेता है ट्रेन को ठीक है कुछ ऐसा वो करता है कि ट्रेन बच जाती है लोगों की लाइफ बच जाती है तो दिस इज़ द एक्ट दैट ही डज टू रिडीम हिमसेल्फ मतलब एक तरह से ऐसा कुछ करना कि जो बुरा उसने किया था उसको रिडीम करना मतलब उसको काइंड ऑफ रिकवर करने की तौर पर ये जुगल सिंह करता है ठीक है सो दिस इज़ आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर तो इन द सीरीज़ ऑफ़ आर पी एस सी प्रीवियस पेपर डिस्कशन जहाँ पर हम आर पी एस सी का जो एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो पेपर हुआ था फॉर आर पी एस सी इंग्लिश लेक्चरर उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हम वो डिस्कस कर रहे हैं तो हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया पेपर वन का डीप डिस्कशन uh, हमने कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चन का और सिलेबस का पेपर टू का भी कर लिया है दिस इज़ द लास्ट लेक्चर इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है यहाँ पे जहाँ पे हम एंड uh, के क्वेश्चन जो हैं पेपर टू के वो डिटेल uh, में डिस्कस करेंगे एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए एक्सेट्रा तो स्टूडेंट्स uh, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियोस देखो क्योंकि काफ़ी सारी uh, जो इनिशियल चीज़ें जो प्रिपरेशन uh, स्टार्ट करने के लिए यू you नो know, उससे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए पेपर डिस्कशन करने से पहले होनी चाहिए वो मैंने उन उन लेक्चर में कवर किया है तो एक बार वो बैकग्राउंड आपके दिमाग में होगा तो आपको इजीली पेपर डिस्कशन समझ आएगा ठीक है तो अभी तक हम 126 ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर के हम ये एनालिसिस कर चुके हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है किस टॉपिक्स किस तरह से हमें कौन से टॉपिक की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमें कैसे रखनी है कैसे कवर करना है ये सब हम कवर कर चुके हैं अभी तक ओके okay. अब हम क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन So uh, I hope this series is helpful for you if you have any doubts you can send us your uh, doubts you can mail you can you will have all the contact details in the description box uh, you can contact the office and we can uh, you will get back to you okay. So uh, let's start with question number 127. So title of one of Kamala Markandeya's novels is drawn from S. T. Coleridge's poem work without hope identify the novel. So Kamala Markandeya is an English novelist uh, Indian English novelist. Hai. Uh, एक फीमेल इंडियन इंग्लिश नॉवलस जिनका वर्क है नेक्टर इन अ सीव ठीक है इसका जो टाइटल लिया गया था ये एस टी कोल्डरेज जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है उनकी एक पोएम थी वर्क विदाउट होप वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है ठीक है तो जैसे लास्ट लेक्चर मैंने एक आपको टेबल बनाने के लिए कहा था कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो एक टेबलर फॉर्म में अपना यू नो नोट्स को प्रिपेयर करना ठीक है जैसे कि हमने अपने लेक्चर में भी कवर किया है जो भी चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ा रही हूँ ना जस्ट एक आपको बस अपने जब आप पढ़ रहे हो तो एक टेबल फॉर्म में अपने सामने रखना है और एक दो वर्ड जो आते जा रहे तो वो टेबल के जो मैंने अलग अलग कॉलम्स बनवाए थे आपसे कि और हर कॉलम की क्या हैडिंग रहेगी बस उसमें वो लिख लेना है तो आपके पास एक टैबुलर फॉर्म में सारा डाटा हो जाएगा एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू और फिर जब हम खुद किसी चीज को लिख के करते हैं ना तो दैट गोज ऑन इन आर माइंड तो हो सकता है कई बार कॉन्शियसली आपको याद नहीं हो लेकिन एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करना इजी हो ओके okay? तो इन द सेम वे तो जैसे उसमें मैंने एक आपको तो कहा था कि आपको पब्लिकेशन ईयर लिखना है जॉनर लिखना है फिर कोई एक पिक्यूलर डिटेल जैसे कि कहीं टाइटल कहीं से लिया गया है या फिर वर्क को किसी को डेडिकेट किया गया है इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो भी आप उसमें लिख आपको लिखनी है उसमें टेबल में ठीक है तो उसी कॉलम में ये डिटेल भी आएगी जब हम कमला मार्केंडे मार्केडे कनेक्टरना सीफ पढ़ेंगे तो आ, उसके अंदर हमें यहाँ पर ये जो टाइटल के बारे में ये आ जाएगा ठीक है कई सारे वर्क्स हैं जिनके टाइटल दूसरे वर्क से लिए गए हैं तो वो वर्कस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे एक कचिन हुआ वर्क थिंग्स थिंग जो थिंग्स फॉलो पार्ट टाइटल है वो लिया गया डब्लू बी एच की पोएम कमिंग से ठीक है तो ये थोड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन है इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो इट विल भी फॉर यू नेक्स्ट रामा मेहताज इन साइड द हवेली इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉम्बे गर्ल हु वन मैरिड इन टू अ कंजर्वेटिव फैमिली इन राजस्थान तो इसमें हमें क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ सकते हो कि प्लॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताया कि पहले नॉवल का नाम बताया राइटर का बता दिया रामा मेहता का नॉवल है इन साइड द हवेली इसके अंदर जो स्टोरी ऑफ अ बॉम्बे गर्ल है ठीक है तो इन्होंने ये एक कह सकते हैं हम ओवरऑल पिक्चर की है कि एक बॉम्बे गर्ल की स्टोरी है तो वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है उस स्टोरी में ठीक है तो अगर आपको प्लॉट का हल्का सा भी आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन

तो अमिताभ घोष के जो वर्क्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इनका जो इबिस ट्रायोलॉजी है यू नो जिसके अंदर सी ऑफ कॉपीज एक्सेट्रा ये जो पूरा इबिस ट्रायोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ के साथ इनका एक शॉर्ट वर्क है बहुत लंबी नहीं है नाम है उसका द शेडो लाइन्स ठीक है तो द शेडो लाइन्स जो उनका वर्क है वो एक तरह से इन्होंने यहाँ पे आपको उसका एक ओवरऑल कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया दे दिया क्या है उसका सेंट्रल आइडिया इट्स अ स्टोरी ऑफ थ्री जनरेशन्स ऑफ़ अ फैमिली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया एज अ नेेशन तो बैकग्राउंड में उसके इंडिया एज अ नेशन का बैकग्राउंड है और थ्री जनरेशन की स्टोरी है हाउ दे यू नो गो ऑन थिंस थिंक द वेरी इज इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ नॉवल आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग रीड करो इस नावल को सो द शेडो लाइन्स ठीक है अमिताभ घोष का द शेडो लाइन्स तो इंपॉर्टेंट है साथ के साथ जो इनके तीन और दूसरे वर्कस दे रखें ये वर्क सी ऑफ पॉपीजीज रिवर ऑफ स्मोक इबिस्ट ट्रायलोलॉजी नाम से इनका एक तीन वर्क का कलेक्शन पब्लिश हुआ था दट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो प्लीज़ उसको भी आप गो थ्रू करो वैन यू आर प्रिपेयर Okay. Uh, 130. फॉलोइंग इंडियन पोएट्स गिवस इंडियन इंग्लिश इट्स स्पेशल फ्लेवर लार्जली थ्रू एर तो इंडियन इंग्लिश पोएट्री जो है ठीक है मतलब इंडियन पोएट्स जो इंग्लिश में पोएट्री लिखते हैं उसमें एक फ्लेवर होता है ठीक है किसको हम क्रेडिट देते हैं वो फ्लेवर देने का ठीक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पोएट्स आर निश्म एसकिल ठीक है तो उनका जो राइटिंग स्टाइल जैसे अभी भी हमने जब प्रीवियस पेपर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन आए हैं एसकिल की पोएट्री से ठीक है एसकिल बिकॉज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश पोएट उनका जो वर्क है कहीं ना कहीं यू नो इट इज़ लाइक अ मेजर थीम प्रोवाइडिंग वर्क टू इंडियन इंग्लिश पोएट्री सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री वन थर्टी वन पिक आउट द पोएट रोट द पोएम्स द लॉजिक इंडियन समर पोएम दर हाउस इन अ कैलकाटा स्ट्रीट एंड अ मिसिंग पर्सन तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको वर्क्स की लिस्ट दे दी इनफैक्ट इतने सारे वर्क्स की लिस्ट दे दी किसी एक का भी आपको नहीं पता होगा अगर दूसरे का पता है तो आप कर सकते हो कि आपको लिस्ट दे दी कि ये किसके वर्क्स हैं तो आपको बस राइटर चूज करना है ठीक है हो सकता है आपने वोर हाउस इन कैलकटा स्ट्रीट या द लॉजिक का नाम नहीं सुनाओ मगर आपने द इंडियन समर पोएम का नाम सुनाओ तो आपको पता है इंडियन समरपोएम जयंता महापात्रा का वर्क है इसका भी जयंत महापात्रा है तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है तो हम देख रहे हैं कि ऑलवेज यू नो आरपीएस द इजी क्वेश्चन ऐसे सो प्रिपेयर यूर यू नो वैन यूर तो प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली जैसे हम पैटर्न प्रीवियस पेपर में देख रहे हैं वन थर्टी टू आर्थ पार्थसारथी इज़ पोएम एग्जाइल एग्जामिन्स द क्वेश्चन ऑफ़ द तो पार्थसारथी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट uh, है अगेन इंडियन इंग्लिश पोइट्री के उनकी पोयम है एग्जाइल तो यहाँ से हमसे पूछा एग्जामिन्स द क्वेश्चन तो अगेन वही हमारी टेबल में जो हमारा कॉलम है सेंट्रल आइडिया वहाँ से क्वेश्चन आया है सेंट्रल आइडिया क्या है इसमें लॉस ऑफ आइडेंटिटी विथ वंस ओन कल्चर अपना जो कल्चर है उसके साथ जब आप रिलेट फील नहीं करते हो जब आप काइंड kind ऑफ of आपकी जो आइडेंटिटी है क्योंकि हमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट पार्ट होता है हमारा कल्चर जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं हमारे फैमिली बैकग्राउंड जो है हमारा कल्चरल सोशल बैकग्राउंड हमारी चाइल्ड हुड मेमरीज दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट पार्ट ऑफ आ पर्सनैलिटी राइट तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप इस पोइट्री में वो स्पेशली इस बारे में बात करते हैं कि एक इंसान जब अपने कल्चर से अपनी आइडेंटिटी रिलेट नहीं कर पाता तो वट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस इट हैज ठीक है तो इस बारे में डिस्कशन है तो अगेन पैटर्न अगर हम देखें क्वेश्चन का तो क्या पैटर्न है सेंट्रल आइडिया के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है ओके okay. वन थर्टी थ्री अरुण कोलात्कार पोएम जेजूरी ऑसिलेट्स बिटवीन अरुण कोलात्कार का जो कलेक्शन है जिसका नाम भी जेजूरी था ठीक है उन्होंने काफ़ी सारी पोएट्रीज लिखी है बहुत शॉर्ट शॉर्ट पोएट्रीज हैं इसके अंदर बेसिकली इसमें आपसे पूछा है कि इस कलेक्शन का ओवरऑल आइडिया क्या है इस कलेक्शन का ओवरऑल आइडिया है फेथ एंड स्केप्टिसिज्म ठीक है फेथ के बारे में और स्केप्टिसिज्म के बारे में ये डिबेट करता है ठीक तो है तो जैसे शॉर्ट बहुत स्मॉल स्मॉल पोएट्रीज़ हैं एंड वेरी इजी लैंग्वेज बट वेरी यू नो फिलोसोफिकल इन नेचर इस तरह की पोइट्रीज हैं सो बेसिकली वॉज अ महाराष्ट्रियन पोएट एंड उन्होंने एक महाराष्ट्र का एक एरिया है मंदिर है एंड यू नो देर इज़ अ प्लेस उस तरह के एरिया है उसके ऊपर डेडिकेट करके उन्होंने अपने कलेक्शन पब्लिश किया था इसमें बहुत सारी पोइट्रीज थी और इसका जो मेजर सेंट्रल आइडिया था वो था डिबेट बिटवीन फेथ एंड स्केप्टिसिज्म ठीक है 134 थर्टी आसिफ करीम भोएज प्ले गोवा इज़ अबाउट तो एक प्ले है उनका आसिफ करीम भोए का गोवा ठीक है वो किस बारे में है तो वो प्ले जो है उसी अगेन आपको पैटर्न समझ ही आ रहा होगा क्वेश्चन के साथ वही सेंट्रल आइडिया रिलेटेड क्वेश्चन सो गोवा इज़ अबाउट द लिबरेशन ऑफ गोवा दैट मीन्स वेन गोवा वॉज अ यू नो वेन गोवा वॉज अंडर द रूल ऑफ अ फॉरन पार्टी उसका जो फ्रीडम स्ट्रगल था जो लिबरेशन के लिए उन्होंने फाइट किया था उसके बारे में उनका प्ले है गोवा ठीक है तो गोवा के पॉलिटिकल और सोशल चरमोइल से रिलेटेड है ये प्ले uh, गोवा ओके okay.

सो बाय द एंड ऑफ द प्ले वट हैपन्स इज दट द कपल इज़ ऑलरेडी मैरिड तो हमसे पूछा है कि वो किस जो उनके प्रोटैग्निस्ट हैं एंड में उनका क्या रिलेशन होता है ठीक है तो अगर आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर पता होगा इस वर्क का तो आप इजिली इसको अटैम्प्ट कर सकते हो आंसर इज दैट दे आर मैरिड एट द एंड हु आर द टू कैरेक्टर्स लता एंड विश्वास नेक्स्ट इज़ गिरीश कर्नाड्स तुगलक अब गिरीश कर्नाट का तुगलक एक ड्रामा है जिसकी बहुत बार इस पर से क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है गिरीश कर्नाट एज अ प्ले उनके काफ़ी सारे वक वर्क, वर्क्स हैं लाइक तले डंडा हया वना ठीक है इनके ऊपर वर्क क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हमसे पूछा है कि तुगलक जो है उसके बारे में चार स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है ओवरऑल थीम के रिलेटेड क्वेश्चन है कोई डीप क्वेश्चन नहीं है एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे ग्वे� आपको दिया है काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ इज कंसर्न विद हिस्ट्री एंड ऑल्सो एज कंटेपर रेलिवेंस देखो तुगलक से आपको समझ आता है एक, आ, इंडिया के एक पहले टाइम के रूलर थे इंडियन रूलर थे तो ये जो प्ले है इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में तो बात हो रही है तुगलक के बारे में तो बात है लेकिन ये प्ले फेमस इतना जो है और इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि जो भी बातें इन्होंने हिस्ट्री के से रिलेट करके इस प्ले में कही हैं सेम बातें अगर हम देखें तो आज भी हमारे जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी है जो हमारी पॉलिटिक्स है उस पर रिलेट हो सकती है ठीक है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री

सब जॉनर की तरह डेवलप हो रहा है इंडियन लिटरेचर में इस इसमें हमने स्पेशली अलग से लेक्चर डेडिकेट किया है ठीक है तो इन द लेक्चर सीरीज़ विल फाइंड कि दलित लिटरेचर को अलग से हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दलित लिटरेचर को इंडिया में स्पेशली ट्वेंटी सेंचुरी का जो एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का जो हमारा टाइम है नाइनटीन की बात का उस टाइम पर दलित लिटरेचर एक्चुअली यू नो काफ़ी पॉपुलराइज हुआ था तो हमसे पूछा है कि कौन सा वर्क और कौन uh, राइटर uh, है जिस जो जिसको हम क्रेडिट देते हैं दलित लिटरेचर को पॉपुलराइज करने का मतलब उसको लोगों तक पहुंचाने का तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्क का नाम है पॉइजनड ब्रेड ट्रांसलेशन फ्रॉम मॉडर्न मराठी दलित लिटरेचर और दो पर्सन है जिसको हम क्रेडिट देते हैं दलित लिटरेचर को भी पॉपुलराइज करने का वो है अर्जुन डांगले बेसिकली मराठी जो महाराष्ट्र एरिया है वहाँ पर दलित लिटरेचर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ है उस एरिया का दलित uh, जो लिटरेचर है ग्रुप ऑफ राइटर्स हुआ नोन एज दलित राइटर्स दे आर द पीपल हु एक्चुअली यू नो क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग दिस दलित लिटरेचर ऑन द फोर फ्रंट मतलब दलित लिटरेचर को मेन स्ट्रीम लिटरेचर का पार्ट बनाने में बहुत क्रेडिट जाता है इस वर्ग का पॉइंजेंड ब्रेड और राइटर uh, है इसके अर्जुन डांगले ठीक है 139. थर्टी नाइन ऑन द पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ अर नॉवल्स वॉज बामा ऑस्ट्रोसाइज फ्राम अ विज फॉर पोचरिंग इट इन अवअर राइट तो बामा इज अ राइटर जिनका एक वर्क था जिसकी वजह से उनको अपने विलेज से निकाल दिया ऑस्ट्रसाइज मतलब होता है एक्साइल कर देना किसी को उसके होम टाउन से या जहाँ भी वो पर्सन रहता है उसे बाहर निकाल देना तो जो इनका वर्क था वो था कराकू ठीक है उसके अंदर उन्होंने अपने विलेज की कुछ ऐसी बातों को क्रिटिसाइज़ किया था तो इस वजह से वहाँ की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया था ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वन फोर्टी ऑफ द फॉलोविंग इज ऐटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मिकी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन दलित लिटरेचर ओनली तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का हमसे नाम पूछा है आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जिन ऑटोबायोग्राफी का नाम है जूठन ओके okay.

सिंपल वर्क एक पोएट्री का कलेक्शन है इसमें आपको जो कलेक्शन किसने लिखा है किसका कलेक्शन है किसकी पोइट्रीज का कलेक्शन है आपको नाम चूज करना है आंसर इज मीना कांडासामिया वेरी इंपॉर्टेंट पोएट्रीस ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स 143 द प्रिजेंस वी ब्रोक इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव बाय दलित वुमेन राइटर हु इज शी तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शांता भाई कामले शांता भाई कामले को हम एज अ दलित राइटर तो जानते ही है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर के तौर पे भी हम उनको पढ़ते हैं ठीक है तो उनका वर्क है द प्रेजेंस वी ब्रोक तो इसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें उन्होंने उनट करी कि कैसे बींग अ दलित एंड बींग अ वुमेन ठीक है डबल मार्जिनलाइज हो गया था उनका सोसाइटी में कि वो एक दलित तो थी प्लस एक वुमेन भी थी तो एक दलित और एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को प्रेजेंट किया वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन दलित लिटरेचर एज वेल एज इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर द राइटर Shantabai Kamble 144 Human beings do not perceive things whole we are not gods but wounded creatures cracked lenses capable of fractured perceptions who says this and where तो इसका आंसर है नंबर टू दैट इज़ सलमान रजदी इमेजिनरी होमलैंड सलमान रजदी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इमेजिनरी होमलैंड जो है ये इनका एक ऐसे था ठीक है सलमान रजदी जो फेमस है मेजरली वो है अपने वर्क मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए जिसको बुकर प्राइज मिला था 1982 में और भी बाकी बुकर ऑफ बुकर मैन ऑफ बुकर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और उस सलमान uh, रजदी का जो वर्क है मिड नाइट चिल्ड्रन इसको एक तरह से हम क्रेडिट देते हैं इंडियन लिटरेचर को मेन स्ट्रीम फोर फ्रंट पर लाने का ठीक है लेकिन इनका जो वर्क है इमेजिनरी होमलैंड ये एक ऐसे है जिसके अंदर उन्होंने इंडियन एग्जाइल के बारे में तो इस ऐसे के अंदर से ये फ्रेज़ हमारा उठाया गया तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अगर लाइन टू लाइन भी रीड करो इट विल भी हेल्पफुल फॉर यू ठीक है सो इमेजनरी होमलैंड बाय सलमान रश्दी 145. फोर्टी रोहिंतान मिस्त्रीज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन अबाउट द रेजिडेंस ऑफ अ पारसी डोमिनेटेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इज एंड तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग तो रोहिंतन मिस्त्री एक डायस्पोरिक इंडियन राइटर है जो इंडियन है लेकिन वो कनाडा में बेस्ड है और उनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से हमें एनालाइज करना है एग्जाम के लिए जैसे उनका एक वर्क है द फाइन बैलेंस सच अ लॉन्ग जर्नी एक उनका वर्क है इसी तरह टेल फ्रॉम फिरोजाबाग में ग्यारह स्टोरीज़ हैं बेसिकली रोहिंतन मिस्त्री का जो वर्क है इसमें हम देखते हैं पारसी कम्युनिटी जो है उनके किस तरह के स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ होती है ठीक है उसके साथ साथ पॉलिटिकल क्रिटिसिजम भी बहुत होता है इनके वर्क में स्पेशली जो इनका वर्क है फाइन

अगैर सलमान रशदी पे क्वेश्चन है इनका एक और वर्क है द ग्राउंड बनीथर फीट इस ये एक लेजेंड से इंस्पायर्ड लेजेंड मतलब कोई क्लासिकल स्टोरी होती है उससे जब हम रेफरेंस लेके अपने वर्क में उसके कुछ रेफरेंस डालते हैं तो हम कहते हैं वो लेजेंड से इंस्पायर्ड है तो उन्होंने पूछा है कि किस लेजेंड से इंस्पायर्ड है तो इसका आंसर है ऑर्फियस एंड यूरिडीज ठीक है बहुत लंबी एक स्टोरी है ऑर्फियस एंड यूरिडीज की उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होके उसकी स्टोरी के कई सारे एलिमेंट्स उन्होंने अपने वर्क द ग्राउंड बनीथर फीट में डाले सलमान रश्दी ने ओके बट दैट आई एम राइटिंग अबाउट द टेरिटरी अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ पायनियर्स हेयर इन अमेरिका दिस हैज बीन सेड बाय अगेन एक स्टेटमेंट आपको दिया डायलॉग दिया और आपको स्पीकर चूज करना है इसका आंसर है भारती मुखर्जी शी रोट अबाउट हाउ शी इज़ अबाउट हर राइटिंग जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसके बारे में ये है वन फोर्टी एट वट वॉज ऑलवेज हर्ज इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय एक आपको कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नाम दिया है आपको आपको राइटर चूज करना है इसका आंसर है उमा परामेश्वरम तो इनका स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज थी बहुत सारी उनके कलेक्शन को जो पब्लिश किया था तो इस नाम से उन्होंने पब्लिश किया था वॉट वॉज ऑलवेज हर्स इन एन इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ टेल्स द स्टोरी ऑफ माइकल एंड जूलिया हु आर तो यहाँ पे सिंपल uh, है uh, हमें राइटर का नाम दिया वर्क का नाम दिया है कैरेक्टर्स का नाम दिया हमें ये बताना है वो कैरेक्टर्स का प्रोफेशन क्या था तो इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ का एक वर्क है जिसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं माइकल एंड जूलिया तो हमें पूछा है कि वो क्या थे तो माइकल एक वायलिनिस्ट था जो वायलिन प्ले करता था और जूलिया एक पियानिस्ट थी जो पियानो प्ले करती थी ठीक तो है तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थ्री वन फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय अनीता राव बादामी तो अनीता राव बादामी अगर आपको वर्क्स के नाम पता होंगे तो आप इजीली बता सकते हो कि इनमें से कौन सा उनका वर्क नहीं, so, नहीं है तो टमर एंड मैम हीरोज़ वर्क टेलेट टू द ट्रीज ये सारे बादामी के वर्क हैं साइकिल ऑफ द मून उनका वर्क नहीं है तो आंसर जो हमारा करेक्ट है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर डी ठीक है सो विद दिस वी कंक्लूड आर वन फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ आर पी एस सी पेपर टू आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको एक idea हो गया होगा कि किस तरह से आपको यू नो नेक्स्ट ईयर जो आर पी एस सी का पेपर होने वाला है किस तरह से यू नो यू कैन एनालाइज द Questions and the paper pattern that are going to be there. So, with this, you might have got an idea. I hope this was helpful for you. So, uh, we will meet in the next lecture. Thank you.